जी एन फेस हॉबी। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ अपने पाकूस का। तो आप देख सकते हो, ये मेरी सिल्वर पाकू है, ये देखो, ये दो मतलब एक पेयर है, और ये मेरी अल्बाइनो पाकू है। तो आप ग्रोथ देख सकते हो, ये काफ़ी बड़े हो गए हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपको अपडेट दे देता हूँ अपने पाकूस का। जब मैं ये लाया था तो ये अराउंड 2 इंचेस के थे, और इनके जो फिन्स है वो काफ़ी कटे फटे थे, क्योंकि पाकूस अगर आप ग्रुप में रखते हो तो वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा फाइट करते हैं। बट अब आप देख सकते हो, इनके फिन्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और काफ़ी बड़े हैं, और इनकी साइज इतनी बड़ी हो गई है कि ये जो मेरे बड़े वाला ऑस्कर है इनके इक्वल हो गया है। तो अराउंड इसको मान सकते हैं कि 6 इंचेस के ये पाकूस है। और आपको मैं बता दूं कि वाइल्ड में ये जो पाकूस होते हैं वो अराउंड 2 फीट चले जाते हैं, ठीक है। 1.5 फीट तो इनका एवरेज साइज है, 1.5 फीट तो ये जाते ही जाते हैं, और 2 फीट आराम से चले जाते हैं। बट ये एक्वेरियम अगर आप रखते हो तो आराम से 1 फीट से 1.5 फीट मैक्सिमम जाता है, बट 1 फीट एवरेज चला जाता है। तो अभी मेरे ये जो पाकूस है वो तकरीबन 6 इंचेस के हैं, अभी 6 इंच और ये ग्रो करेंगे तो ये 1 फीट के हो जाएंगे। तो अभी तो मैंने इसमें 4 रखा है। आप बोलोगे भी कि ये मेरा, अगर आप लोगों में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि ये मेरे पास एक मॉन्स्टर टैंक है, तो जिनको नहीं पता वो देख लो। और ऑलरेडी मेरे चैनल पे इस टैंक का वीडियो है, ये मेरा पैरट्स है, ये भी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हैं। तो इस वीडियो में बस मैं पाकू का अपडेट देना चाहता था। तो आपको मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये मेरे पाकूज़ है और इनको मैं शिफ्ट करने वाला हूँ, क्योंकि इनकी साइज काफ़ी बड़ी हो गई है और ये 6 इंचेस के हैं। और गाइस, ये जब लड़ते हैं ना तो मत पूछो यार, पूरा टैंक हिला के रख देते हैं। सोचो, अब ये 6 इंच के ही हैं तो इतने खतरनाक है, जैसे ही मैं फीड डालता हूँ ना, आप देखना फिर कैसे ये लड़ते हैं। अभी तो मैंने जस्ट अभी तुरंत ही इनको फीड दिया, इसलिए ये टैंक अभी थोड़ा गंदा दिख रहा होगा आपको। ये पार्टिकल्स जो है, ये इनके जो पैलेट्स मैंने दिया है उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। तो ये देखो मेरे पाकूस को, और पहले तो ये बचपन में जब मतलब छोटे थे, अराउंड 2 इंचेस थे, तो काफ़ी डरते थे। अब तो काफ़ी फ्रेंडली हो गए, ये देखो हैंड मूवमेंट्स में काफ़ी फ्रेंडली हो गए। यहाँ मैं ले जाऊँगा हाथ तो देखो ऊपर आएंगे भी, ये ऑस्कर्स आ जाती है, उन्हें मारती है, इसलिए डरते हैं। ये देखो, अब ये डरते नहीं है, पहले ये बहुत ज़्यादा डरते थे। ये देखो गाइस, और ये अल्बाइनो पाकू तो बहुत ही सुंदर है। तो आप मुझे एक चीज़ सजेस्ट करना कि मैं अपने अल्बाइनो पाकू को, मैं सोच रहा हूँ इसी टैंक में रखता हूँ, 5 फीट का ये मॉन्स्टर टैंक है, तो मैं सोचा अल्बाइनो पाकूस को मैं ये इसी टैंक में रखूँगा, और ये जो मेरे दोनों सिल्वर पाकूस हैं इनको मैं शिफ्ट करता हूँ अपने बाहर आउटडोर पॉन्ड में। तो मैंने एक आउटडोर पॉन्ड का भी सेटअप किया है, जल्दी वो वीडियो भी आएगा। मैंने 4x4 फीट का एक पॉन्ड बाहर तैयार किया है, उसमें मैंने अभी ऑस्कर्स और कुछ फिशेस को डाला है, इनको भी उसमें भेजूंगा। तो मैं सोचा अल्बाइनो को टैंक में रखता हूँ, क्योंकि अल्बाइनो बड़ी होगी तो बहुत सुंदर लगेगी इस टैंक में ऑस्कर्स के साथ देखने में। और 4 फिशेस में मैं नहीं डाल सकता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी बड़े हो जाएंगे, अगर ये 1 फीट के भी होते हैं मिनिमम, तो आप सोच लो 4 फेसेस, ये कितना मतलब काफ़ी कंजस्टेड हो जाएगा ये टैंक मेरा, इसलिए मैं 4 पाकूस तो इसमें नहीं रख सकता। मैक्सिमम मैं 2 रखूँगा, बट वो भी मैं 1 कर दूँगा। अभी फ़िलहाल मैं सोच रहा हूँ कि ये दोनों सिल्वर वाले जो है इनको मैं निकाल दूँ, ये सिल्वर वाले जो पाकूस हैं इनको निकाल दूँ, और जो ये अल्बाइनो पाकू है इनको इसी में रहने दूँ, दोनों को इनको ग्रो होने देता हूँ अराउंड 10 इंचेस टू 12 इंचेस, मतलब 1 फीट इनको ग्रो होने देता हूँ। अगर ये कुछ ज़्यादा इसमें मतलब दिक्कत करती है, अगर मान लो इधर उधर ग्लासेस में मारते हैं, तो फिर इनमें से भी मैं 1 को हटा दूँगा, बस 1 रहूँगा अपने साथ। और आप सोचोगे कि मैं वीडियो बार बार इधर से उधर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है पाकूस बहुत ही फास्ट मूविंग फिश होती है, वो एक जगह रुकती नहीं है, वो हमेशा मूव करती रहती है। ये देखो, तो अगर सबसे बेस्ट फिश मैं मानूँ एरवाना के बाद कोई दूसरा होता है तो पाकू होता है, उस केस में कि वो बहुत एक्टिव होते हैं। एक्टिव भी केस में बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको भी पता है कि अरवाना जो होता है वो टैंक में इधर से उधर मूव करते रहता है हमेशा, 24/7 वो मूव करता है। सिमिलरली जो पाकू होती है वो भी मूव करती है, वो कभी बैठते नहीं है। आपको पैरट छिपे हुए दिख जाएंगे, आपको ऑस्कर्स कहीं कोने में बैठते हुए दिख जाएगा, बट पाकू कभी नहीं बैठता। पाकू हमेशा मूव करेगा, इधर से उधर टैंक में मूव करेगा, या तो फाइट करेगा, या फिर आपके टैंक में कोई चीज़ को काटते हुए दिखेगा आपको, जैसे हीटर है उसको, इसके बाद उसको काटेगा, या फिर ये जैसे बीच में कि ये बड़ा सा स्टोन रखा है तो इसमें जाके कुछ ना कुछ वो कर देगा, तो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहता है। तो बहुत ही एक्टिव फिश होती है, उतना ही खतरनाक, उतना ही डेंजरस फिश होती है गाइस, क्योंकि इनके जो टिथ्स होते हैं ह्यूमन टिथ्स की तरह होते हैं। अगर आप रिसर्च मतलब अगर आप गूगल पे जाके रिसर्च करते हो, मतलब सर्च करते हो वहाँ पे, तो आपको देखने को मिलेगा कि इनके टिथ की जो साइज़ होती है वो ह्यूमन टिथ की तरह होती है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग्स होते हैं, क्योंकि जो वाइल्ड में है ये पाकूस पैलेट्स और ये सब तो नहीं खाते हैं, जिस रिवर से ये बिलोंग करते हैं उस रिवर में, मतलब एक्चुअली वहाँ पे जो
एलमंड्स होते हैं या फिर बादाम के जो पेड़ होते हैं या कोई भी नट्स होते हैं, वही उनके पेड़ वहाँ बेसिकली मैनग्रोव्स प्लांट्स जो होते हैं, मैनग्रोव्स लैंड्स जो होते हैं जहाँ पे वो प्लांट्स होते हैं, एलमंड्स हो गया, बादाम हो गया, इन सब के जो प्लांट्स होते हैं तो वहीं उनके वाटर में गिरता है तो वो वही खाते हैं, ठीक है। तो इनके दांत इसीलिए काफ़ी मजबूत होते हैं, बाई नेचर इन्हें मतलब ये चीज़ मिला हुआ है। और टैंक में तो खैर सब कुछ खाते हैं। अगर सही बताऊँ तो अगर ऑस्कर के साथ अगर इसकी कंपेरिजन की जाए ना गाइस, तो ऑस्कर इसके सामने कुछ नहीं है। फाइट स्किल्स ऑस्कर से बहुत अच्छी है, मतलब ऑस्कर डराने में बहुत अच्छी फिश है। मतलब आप इसके आईज देख सकते हैं, बड़ी साइज आईज होती है और इसकी जो मूवमेंट है वो अच्छी है। बट अगर रियल फाइट हो जाए, बात टेरिटरी की आ जाए, बात हो जाए फाइट मतलब खतरनाक वाली अगर हो जाए, तो पाकू जो है ऑस्कर को मार सकती है, चाहे 1 फीट की ऑस्कर क्यों ना हो, 10 इंच का, 11 इंच का या 1 फीट का ऑस्कर तो आराम से पाकू आराम से ऑस्कर को मार सकता है, क्योंकि उनके टिप्स होते हैं। और उसने ऑस्कर से ऑस्कर और पाकू अगर एक दूसरे को लिपलॉक कर लिए, लिपलॉक आपको पता है एक दूसरे के माउथ को वो पकड़ लेते हैं, और गलती से उन्होंने पकड़ लिया ना, तो ऑस्कर का जो जबड़ा है वो तोड़ देगा पाकू, क्योंकि उसके दांत बहुत ही स्ट्रांग होते हैं गाइस। और बहुत सारे केसेस में पाकू ने एरवाना को तक को मार दिया है, एलिगेटर गार से टक्कर ले लेता है गाइस, तो बहुत ही खतरनाक फिश होती है। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसमें से 2 हटा दूँ, ताकि इसमें इस टैंक में अभी काफ़ी एग्रेसिव हो चुके हैं ये दोनों। हमेशा ये क्या करते हैं, जो ग्लासेस है उस पर मारते रहते हैं, तो मेरे को कभी कभी डर लगता है कि ये कहीं ग्लास तोड़ ना दे, क्योंकि बहुत सारा ऐसा केस हुआ जिसमें जो ये पाकू फिश है 1 फीट से भी बड़ी हो जाती है और वो ग्लास में मतलब अगर उनको नहीं बनता है घूमने में तो ग्लास में मारते मारते ग्लास को भी तोड़ सकती है। तो अभी तो मैंने इसको फीड दे दिया, फिर भी आपके सामने मैं एक बार फीड देना चाहूँगा। और अभी जा रहा हूँ मैं देने आपको ऑप्टिमम के जो पायलट्स होते हैं वही दूंगा, क्योंकि अभी मैंने इसको सिक्रेट फूड खिला दिया है, तो ऑप्टिमम वाला जो है वो हल्का होता है, तो पहले इसको देता हूँ, इसको ढक्कन को खोलता हूँ। तो बहुत ही कम क्वांटिटी में दे रहा हूँ, क्योंकि गाइस अभी मैंने दिया है और मैं भूल गया था कि वीडियो बनानी है, इसलिए देख सकते हो ये रही पाकू, ठीक है, ये दोनों इधर है, ये है, ये मैं जा रहा हूँ ऊपर रखने, देखो यहाँ से गया, पहले तो ऑस्कर्स रेडी रहते हैं, और ये देखो जैसे मैं डाला, अब आप देखना ये पाकू उसको, ये देखो गाइस क्या खतरनाक अटैक कर रहे हैं, किधर गई है, हाँ ये रही नीचे। अभी तो हो सकता है मे बी इनका पेट भर गया हो, क्योंकि बहुत फास्ट खाते हैं ये, बहुत जल्दी जल्दी एक ही बार में बहुत सारे पैलेट्स मुंह में रख लेते हैं। अगर आपको देखने को अभी अगर हाँ ये देखो जो अल्बाइनो वाली कितने सारे पैलेट्स एक बार में मुंह में रख लिया, तो ये काफ़ी फास्ट ईटिंग फिश होते हैं, काफ़ी जल्दी जल्दी अपने मुँह में बहुत सारे पैलेट्स एक ही बार में डाल लेते हैं ऑस्कर की तरह, और तुरंत खा के उसे ख़त्म कर देते हैं। तो अभी मे भी हो सकता है इनका पेट भरा हो इसलिए ये नहीं खा रहे हैं, बाकी अल्बाइनो तो खा रही है आप देख सकते हो, और पैरोट तो यार पता नहीं हमेशा भूखी रहती है, वो खाती है पूप कर देती है, वो खाती है फिर पूप कर देती है। और ये मेरे छोटे वाले फायरेड ऑस्कर्स, तो देख सकते हो अल्बाइनो वाली तो खा रही है काफ़ी अच्छे से देख सकते हो। तो गाइज ये यही था मतलब मेरे पाकूस का जो अभी करेंट अपडेट है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैं इसको जब लाया था आज से 1.5 मंथ पहले लाया था, 1.5 मंथ हो चुका है, तो उस टाइम वो 2 इंचेस की, 2-3 इंचेस मतलब इतने छोटे। अगर मेरे पास कोई वीडियो होगी पुरानी तो मैं यहाँ पे आपको लगा दूंगा, इधर लेफ्ट में या राइट में लगा दूंगा, आप देख लेना। तो वो बस 2 इंचेस की थी, ठीक है, और अभी 2 इंचेस से ये अभी 6 इंचेस की, मतलब सोचो ये पूरा जो मेरा पाम है इतना बड़ा हो चुका है। ये देखो सामने ये 6 इंचेस के है, ठीक है, ये देखो भाई साहब। और ये अल्बाइनो थोड़ी छोटी है, मैं मानता हूँ अल्बाइनो छोटी है, अगर आप देखो सामने अगर आती है तो कंपेरिजन मैं कराता हूँ। हाँ ये देखो, ये और ये देखो थोड़ी सी साइज में डिफरेंस है, अल्बाइनो थोड़ी छोटी है क्योंकि अल्बाइनो को मैंने बाद में लाया था और वो वाले पहले लाया था, और वो काफ़ी एग्रेसिव भी है, तो खाते वक्त वही दोनों ज़्यादा पैलेट्स खा जाते हैं, इनको मिलता नहीं, और हमेशा ये दोनों मिलकर इसको मारते रहते हैं इनको, तो इसलिए भी ये हमेशा डरे रहते हैं थोड़े बहुत। तो मैं सोच रहा हूँ इनको निकाल ही दूँ अपने सिल्वर उसको सिल्वर पाकूस को, ताकि ये भी आराम से रहे और इनका ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा हो। और मैं चाहता हूँ कि मैं इनको 1-1 फीट का देखूँ गाइस, मतलब एक अलग ही लुक आएगा मेरे मॉन्स्टर फिश का, तो मैं इंतजार करूँगा कि ये मेरा कब ग्रो होगा। तो अभी मैंने 1.5 मंथ पे अपडेट दिया, मैं अब सीधा 3 मंथ्स पे इसका अपडेट दूंगा आपको, तो आपको दिखाऊंगा इसका साइज मे भी 12 इंचेस हो जाए। अगर 3 मंथ्स में इनका 1.5 मंथ में अगर इनका साइज 6 इंचेज हुआ है, तो अगले 1.5 मंथ में 4 इंच तो होंगे ही हैं, तो 10 इंच 12 इंच के अराउंड इसका साइज रहेगा, तो वो मैं आपको दिखा दूंगा। काफ़ी फ्रेंडली हो चुका है, स्टार्टिंग में जब मैं लाया था ना छोटे तो बहुत डरते थे, वो दो हैंड्स के मूवमेंट साथ चलते हैं, ये देखो मैंने हाथ डाल दिया, ये देखो आएगी, तो काफ़ी फ्रेंडली हो गई है गाइस, और काफ़ी अच्छी फिश होती है। बस इनको मतलब काफ़ी मतलब डरती भी है, टिमिड फिश भी है, और आप टैंक की जब सफाई करोगे तो ये काफ़ी डरते हैं, उस टाइम ये ऐसे सो जाएंगे नीचे जाके,
और बहुत डरते हैं, तो बस उस टाइम डरते हैं, बाकी फीडिंग के टाइम इनको कोई डर नहीं है। ऑस्कर ऑस्कर किससे नहीं डरते हैं, यहाँ तक कि मैंने देखा ये ऑस्कर से लड़ जाती है, ये जो मेरी अल्बाइनो पाकू है, और यहाँ तक पैरोट फिशेस को भी मारती है, मतलब किसी को भी मार सकती है, यहाँ तक नाइफ फिश को। आप देख सकते हो, मैं पास से दिखाता हूँ, नाइफ फिश की बॉडी पर देखो बहुत सारे स्क्रैचेज है, दिख रहा है, ये सारा पाकू का काम है भाईस। और मेरे जो ये फिश है, ये मैंगो ऑस्कर, उसके भी फिंस को पाकू ने निप कर रखा है। ये वाला अल्बाइनो ऑस्कर के भी फिंस को निप किया था, बट हाँ थोड़ा थोड़ा देख सकते हो आप कोने से निप्ड है। तो सब ये खेल बस पाकू का है गाइस, और यही पाकू सिल्वर पाकू, मोस्टली ये सिल्वर पाकू ये सब काम करता है। तो कुछ दिन में मैं इसको भी निकालूंगा, मे बी आज निकाल दूँ या फिर देखता हूँ। अभी टैंक की सफाई करूँगा जब भी, क्योंकि टैंक भी थोड़ा गंदा हो गया, तो इसकी सफाई करूँगा, तो मैं इनको निकालने वाला हूँ। और उसकी भी वीडियो आएगी, मैं यहाँ से जब ट्रांसफ़र करूँगा अपने पॉन्ड में, तो उसकी भी वीडियो आएगी। पहले मैं पॉन्ड की वीडियो डाल दूँगा कि मैंने पॉन्ड का सेटअप कैसे किया, उसके बाद ये वाली वीडियो आएगी। और मैंने अपने बड़े वाले ऑस्कर को भी निकाल के पॉन्ड में सेटअप कर दिया, तो उसकी भी वीडियो मैंने बनाई है, वो भी मैं कुछ दिन में अपलोड कर दूँगा। ये देख सकते हो टाइगर ऑस्कर मेरी। तो गाइज़ ये रही मेरी पाकूस। तो गाइज़ आज की वीडियो में बस इतना ही था। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या फिर आप रेगुलर व्यूअर हैं, अगर आप चैनल को देखते हो तो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में काफ़ी अच्छे वीडियोज़ आने वाले हैं, और मैं बहुत मॉन्स्टर वेराइटीज़ के फिशेज़ और भी ऐड करने वाला हूँ। इस टैंक में नहीं ऐड करूँगा, मैं भी इस टैंक में ऐड कर सकता हूँ, तो इन ऑस्कर्स को मैं शिफ्ट करूँगा नीचे पॉन्ड में, नहीं तो मैंने पॉन्ड प्रॉपर बनाया गाइस, उसकी वीडियो भी आने वाली है। उस पॉन्ड में जब मैं फिशेज़ शिफ्ट करूँगा तो आप ज़रूर से देखना। ये देखो ये देखो ये देखो, उनका पेट भर गया, अभी एक दूसरे पर अटैक करना शुरू कर दिए। सो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।